नमस्कार दोस्तों, देखो ये जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 11 है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का पार्ट 2 बोल सकते हैं। ये थोड़ा गंदा टॉपिक है, मतलब थोड़ा टू बी फ्रैंक दोज हू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उनके थोड़ा गंदा यूनिट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्योर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा अनुभव भी इस्तेमाल होता है टू बी फ्रैंक, तो थोड़ा समझना और इन फॉर्मूलों को याद करने की या रटने की कोशिश करना लिख लिख के, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल और सिंपल लॉजिकल बात करूँ, इनफैक्ट हम भी इनको लिख लिख के ही याद करते थे when we are doing MSc stats or whatever the BSc stats we can say. अब देखिए expectation of y bar st, नहीं सर SYS systematic, ठीक है ये fix है, ये systematic sampling में मैं जानता हूँ, तो ये क्या होता है by default y bar i की बराबर, i मतलब ith जो group है उसके बारे में variance, और y bar SYS, ठीक है ये क्या होता है, मतलब वेरिएंस ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज के माइनस वन अपॉन के समीशन, और ये एस बी स्क्वायर। अच्छा ये बी क्या है, मतलब वेरिएंस ऑफ बिटवीन दी ग्रुप, बिटवीन ग्रुप जो वेरिएंस है उनके बारे में एस बी स्क्वायर मैंने बोला है, और इसको ऐसे बोल सकते हैं, और ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं वहाँ पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड एस स्क्वायर मतलब ओवरऑल वेरियंस माइनस माइनस के इंटू एन माइनस वन अपॉन कैपिटल एन एस डब्ल्यू स्क्वायर, एस डब्ल्यू स्क्वायर मतलब एक तो होता है वेरियंस, ओवरऑल वेरियंस में से विद इन, मतलब दो ग्रुपों के बीच में, बिटवीन है मतलब कि दो ग्रुपों के बीच में जो वेरियंस है वो, विद इन मतलब एक ग्रुप में जो वेरियंस है वो। अब देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है टू बी फ्रैंक समझने के लिए आपको थोड़ा सा अनोवा पता होना चाहिए, अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो आपके बाय डिफॉल्ट सिर्फ एफ टेस्ट के नाम पर है, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं है। खैर आप तो सिर्फ फॉर्मूला रखना, यहाँ पे एस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बिटवीन कहीं, ठीक है, वन अपॉन के माइनस वन समीशन आई गोज टू वन टू के वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज वॉट एस बी स्क्वायर। देखो अनोवा होता क्या दिखाई देता थोड़ा सा, मान लो कि आपने आपके पास 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, और आप उनको अरेंज कर रहे हो, आपने एज ग्रुप का अरेंज किया, तो 1 2 3 एन ग्रुप बनाए आपने, ठीक है, और हर एक ग्रुप में तीन तीन यूनिट्स हैं, हर एक ग्रुप में कितनी यूनिट्स हैं, तीन, ये तीन फैमिलीज हैं, और यहाँ पे ये इनकम ग्रुप आपने अरेंज किया है, ठीक है, देयर इनकम इज व्हाट दिस ग्रुप में 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मान लो ये होता है अनुभव को दिखने में इस तरह का, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड जाता है, ऐसे को पेपर उठा के देखिएगा फॉर्मूला बेस्ड आ गया था, हालांकि देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे क्यों कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखो वहाँ तो क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है वहाँ पे, अगर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे किया जाए या स्ट्रैटिफाइड बेसिस पे किया जाए, तो आई रिपीट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को SRS के बीच में, तो नंबर ऑफ स्टार्टा कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टार्टा होंगे n, और हर एक स्टार्ट में कितनी यूनिट है, k, हर एक स्टार्ट में कितनी यूनिट है, k, पहली यूनिट चेंज किया और k यूनिट तक आपने चेंज करके चल गए। अब देखो यहाँ पे SB और ये क्या क्या है, देखो SB मतलब होता है, देखो ये तो ग्रुप है, ठीक है, हर एक ग्रुप के बीच में जो वेरियंस आ रहा है उसको एस बी स्क्वायर बोलते हैं, और हर एक ग्रुप में जो है, ठीक है, ये विद इन, सॉरी ये विद इन है, एक ग्रुप में क्या वेरियंसेस है वो विद इन है, ठीक है, विद इन, और बिटवीन क्या होता है, दो ग्रुपों के बीच में या ओवरऑल तीनों के बीच में क्या वेरियंसेस है उसको बोलते हैं विद इन, ठीक है, बिटवीन एंड विद इन में ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूँ, एस स्क्वायर का फॉर्म होता है ओवरऑल कितनी यूनिट्स है भैया, आपके पास एन यूनिट्स हैं, तो एन माइनस वन समीशन आई गोज टू वन टू के वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला, एस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, मतलब बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, तो कितने ग्रुप हैं अपने पास, दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब, ठीक है, तो वन अपॉन k
के माइनस वन, क्योंकि एक के अंदर कितने हैं उसके बारे में, ठीक है। समीशन आई गोज टू वन टू के वाई आई डॉट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और एस डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं, एस स्क्वायर में से जब मैं एस बी स्क्वायर घटा देता हूँ तो ये बचता है, या फिर ये जो मैंने मामला बताया एस डब्ल्यू का, वो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ वेरी सिंपल है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले होता है, खैर इतना देखो इतना डीप में नहीं आएगा मैं मानता हूँ, बट फिर भी फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। मेनली क्या है कि वहाँ पर रिलेशन पता होने चाहिए, जैसे है ना समनी क्वेश्चन में समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी क्रूशियल, ये है ना वेरियंस ऑफ से इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूले जो है थोड़े बहुत ध्यान रख लेना। जैसे देखो मान लो अपने तीन ग्रुप बनाए, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तक जा रहे हैं, कहाँ तक, के तक जा रहे हैं, ठीक है। ये रैंडम नंबर टेबल और उसमें आप कुछ सिलेक्ट करो, जैसे मान लो कि पहला नंबर सिलेक्ट हुआ लेट इट बी तीन, ठीक है, और के की वाली जो भी है तीन आठ फिर तेरह फिर पंद्रह सॉरी अट्ठारह फिर नेक्स्ट इज व्हाट लेट इट बी तेईस, दूसरी ग्रुप में हुआ दो सात बारह सत्रह बाईस, तीसरी ग्रुप में हुआ है लेट इट बी पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस। ये जो गैप है ना ये क्या है और कितनी यूनिट आ रही है, वो हमारा डिसीजन हो रहा है। अब देखो होता क्या है, अब नियम समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो ग्रुप के अंदर है, आई रिपीट, जो भी आपके पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं वो अपने आप में हेट्रोजीनियस होने चाहिए। ग्रुप क्या होने चाहिए, हेट्रोजीनियस होने चाहिए। और यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जो सहसंबंध गुणांक है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ग्रुप के बीच का वो या तो नेगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तभी आपको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को पूछेगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए क्या बेसिक नेसेसिटीज है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो ग्रुप जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव या जीरो होना चाहिए। अब देखिए समझिए कुछ करना, वेरियंस ऑफ y बार सिस्टमेटिक का जो फॉर्मूला है और जो अल्टीमेटली याद रखना है वो ये है n माइनस वन अपॉन n इंटू ब्रैकेट के अंदर वन प्लस n माइनस वन रो। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास रो का मान नेगेटिव में है तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में रो का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एस डब्ल्यू स्क्वायर मतलब विद इन स्क्वायर, वेरियंस इन विद इन ज्यादा होना चाहिए ओवरऑल वेरियंस, तो भी आपको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आपकी एसआरएस से अच्छी होगी। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है जिसके बेसिस पे एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपको एसआरएस से बेटर रिलेशन चाहिए तो विद इन का जो है वेरियंस ज्यादा होना चाहिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग विद इन स्क्वायर इसके वेरियंस से बेटर होना चाहिए, अच्छी होगी यदि ये रिलेशन होगा तो, ठीक है। दैट इज अ सिंपल टू लॉजिक दैट यू हैव टू फोकस, दैट्स इट। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में दक्षता कब ज़्यादा अच्छी होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, जब रो का मान होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या इनमें से कोई नहीं, तो दक्षता कब ज़्यादा अच्छी होगी, जब रो का मान होगा नेगेटिव, मतलब अपने आप में ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, कोई आपस में संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वेरियंस ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्यों, किसका, देखो हमने हर एक सिस्टमेटिक वेरियंस ज्ञात मतलब वेरियंस ज्ञात किया था, सिस्टमेटिक कौन सी सैम्पलिंग है जिसका वेरियंस ज्ञात नहीं किया सकता, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का वेरियंस को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, सबको हमने एस्टिमेशन के बेसिस निकाला था, क्योंकि यहाँ पे अपने आप एक अनोवा बिल्ड हो रहा है, पीछे अनोवा के कारण क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के तो आप इस तरह समझे कि अनोवा की कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
अब इसका उपयोग जैसे मान लो जंगल है उसमें लकड़ी की जो ऊंचाई उसको ज्ञात करना, वहां पर हम क्या करेंगे इस तरह की जो सैम्पलिंग है उसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आऊंगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये कुछ नियम ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं जैसे बात करूँ ये मान लो ये समझ में आ गया ना कोई बेसिक क्या है। देखो दो कंडीशन रखनी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा ये फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का, इसका एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल, जबकि सभी की सभी सैम्पलिंग का हम एस्टिमेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का हम पॉसिबल नहीं है एस्टिमेट करना, एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, ये अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर जाके डिस्कशन करते हैं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली बात, और क्या होना चाहिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो विद इन का जो वेरियंस है वो ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल से। ये बात समझ में आ गया आप सभी को, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वी कैन से। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा वो बताऊंगा गुच्छ प्रतिचयन अर्थात क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग किसमें कहते हैं, फिर मल्टी स्टेज, टू स्टेज, मल्टी स्टेज एंड फाइनली फोटो सैम्पलिंग, एंड दैट्स टू कम्स टू एन आवर टॉपिक। आज का टारगेट यही है कि पहले किसी भी हालत में सैम्पलिंग के सारे वीडियोज़ बना दी जाएँ, नोट्स आपको दे दी जाएँ, ताकि आप फोकस होकर अब सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पर और क्वेश्चन पर काम करें। धन्यवाद।